हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। रियल एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो चैप्टर हम कर रहे थे इन्फाइनाइट सीरीज़। तो इन्फाइनाइट सीरीज़ के जो नेक्स्ट वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसमें हम जो टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं उस टेस्ट का नाम है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो दो तीन टेस्ट मैं करवा चुका हूँ आपको, तो उन टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट हम ये पढ़ रहे हैं यह है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इतने सारे टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एक टेस्ट कहीं पे फेल होता है तो हमको कोई दूसरे तरीके से उस सीरीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चंस में सबसे मेन ये आइडिया लगाना है कि जो टेस्ट है किसी भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट कहाँ पर सुटेबल रहेगा। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि दो किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तीन टेस्ट भी यूज़ हो जा रहे हैं, किसी भी एक से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, तो कहीं एक स्पेसिफिक टेस्ट भी हो सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। इस टेस्ट की बात करें तो इफ समेशन UN इज़ अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, लास्ट उसमें भी हमने यही देखा था, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है। उसके बाद हम इसका जो nth टर्म है और n+1th टर्म है, एक बार हमने देखा था UN और VN का हमने रेशियो निकाला था, यहाँ पे हमको वो नहीं करना है। nth टर्म उसी सीरीज़ का, उसके बाद उसका अगले टर्म का रेशियो निकालना है और रेशियो में लिमिट अप्लाई करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर वो L आ रहा है, और L अगर 1 से बड़ा है तो जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी जो आपको दी है, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। और जैसे पहले टेस्ट में भी हमने देखा था कि L इक्वल टू 1 पे वो सीरीज़ फेल हो जाएगी, वो सीरीज़ अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो L इक्वल टू 1 के लिए फिर आपको अलग तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डी-एलेम्बर्ट का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट की हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। काफ़ी न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हुए हैं, तीन न्यूमेरिकल्स ये हैं और इसके बाद में ये आगे के न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको इसके सॉल्व करके बता दे रहा हूँ और बाकी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो पहले न्यूमेरिकल पर अगर हम आएँ, पहला जो न्यूमेरिकल है इसको देखिए आप, इसमें जो सीरीज़ दी है वो क्या दी है, 2x+3x² / 8 एंड सो ऑन। जो सीरीज है समेशन UN की बात करें तो 2x+3x² / 8+4x³/27 एंड सो ऑन n+1/n³। ये nth टर्म दिया हुआ है इसका, x^1n एंड सो ऑन। तो टेस्ट अप्लाई करने के लिए हम पहले इसका nth टर्म देखते हैं, वो है n+1/n³(x^n) और n+1th टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ n+2 आ जाएगा, नीचे n+1³ आ जाएगा और x^ कितनी हो गई, n+1। अब आपको क्या निकालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, UN/UN+1। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो n+1/n³(n+1³/n+2) और x^n को x^n+1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/x बचेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, इससे n कॉमन ले लेते हैं, तो n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ n और यहाँ n³ आ जाएगा बाहर, तो n^4 1+1/n, 1+1/n³3 अपॉन, एक n यहाँ से कॉमन लेते हैं n^4, ये भी हो गया, तो 1+2/n 1/x ये कैंसिल हो गया। अब इसी के साथ साथ इसमें लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, n→∞ UN/UN+1, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 2/∞ 0, तो ये सिर्फ 1/x आ जाएगा। x के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना आपको कि x है क्या, अगर x के बारे में इन्फॉर्मेशन होती तो हम सीधे सीधे टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ करते हैं हम बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या हो जाएगा, समेशन UN कन्वर्जेस, जब L 1 से बड़ा था तो कन्वर्जेंट था, यानी कि L क्या है यहाँ पे, L की जगह पे 1/x आ रहा है, 1 से बड़ा मीन्स x इधर चलाएगा, x 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा है
तो उस केस में जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, समेशन यूएन डाइवर्जेस, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी जब एल की वैल्यू वन से छोटी है। एल यहाँ पर कितना है, वन अपॉन एक्स, यानी कि एक्स वन से बड़ा है, तब उस केस में ये अप्लाई हो जाएगा। एंड समेज टेस्ट फेल्स फॉर एन इक्वल्स टू एक्स, वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन, वन अपॉन एक्स अगर वन के इक्वल होगा देन ये टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक वन अपॉन एक्स की जगह पे हम वन रख लेते हैं, या फिर वन अपॉन एक्स की जगह पे वन का मतलब हो गया एक्स इक्वल टू वन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, समीशन यू एन जो बन जाएगा वो बनेगा टू प्लस थ्री अपॉन एट प्लस फोर अपॉन 27 एंड सो ऑन। और एनथ टर्म इसका आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब, ये समेशन यू एन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस केस में अगर हम एनथ टर्म की बात करें तो एनथ टर्म ये आ रहा है, ऊपर से एक एन कॉमन ले लेते हैं तो नीचे इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन एन स्क्वायर। तो आपको याद होगा जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें जब कंपैरिजन सीरीज़ की बात करी थी तो कंपैरिजन सीरीज़ में हमने एक नया टर्म, एक नया नई सीरीज़ अज्यूम की थी, वो थी वी एन। वी एन हम क्या मान लेते हैं, वन अपॉन एन स्क्वायर, ताकि ये कैंसिल हो जाए इससे। और उसके बाद आपको याद हुआ उसके बाद हमने क्या किया था, नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन निकाला था। तो ये वन अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन आ गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। काफ़ी डिटेल में पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पुराने वीडियोस भी देखें तभी आपको ये सारे टेस्ट आगे के क्लियर हो पाएंगे। देयरफॉर अब कौन सा टेस्ट हमने अप्लाई किया, कंपैरिजन टेस्ट, किसके लिए, जब वन एक्स की वैल्यू वन के इक्वल है। बाकी दो केसेस तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यू एन एंड समेशन वी एन ईदर बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, या तो दोनों ही कन्वर्जेंट होंगे या दोनों ही डाइवर्जेंट होंगे। नाउ अब वन अपॉन एन स्क्वायर था इसका दूसरी सीरीज़ का एनथ टर्म, और इसको हमने किससे कंपेयर किया था, पी से, और पी क्या आ रहा है, टू के इक्वल आ रहा है। और पी अगर टू के इक्वल आ रहा है तो आपको याद होगा अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ की हम बात करें, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर लिमिट वन से बड़ी आती थी तो उस केस में वो सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाती थी, यानी कि देयरफॉर समेशन वी एन इज़ डाइवर्जेंट। और समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट होगा तो ऑटोमेटिकली समेशन यू एन इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट आ रहा है कब, एक्स की वैल्यू जब वन के इक्वल है, जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है तो उस केस में भी डाइवर्जेंट था, और वन से छोटी है तब कन्वर्जेंट आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, समेशन यू एन इक्वल्स टू वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर अपॉन वन फैक्टोरियल, टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें भी आपको उसी तरीके से अप्रोच करना है, आपको पहले एनथ टर्म निकालना पड़ेगा इसका। हेयर यू एन, देखो ये एन स्क्वायर है तो ये उससे एक टर्म ज़्यादा आ रहा है, एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, एन फैक्टोरियल आ रहा है, देख के आपको पता लग रहा होगा इसका। और एन प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। नाउ क्या निकालना है अब आपको, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू, ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड करने पे, और नीचे आ जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन प्लस टू का होल स्क्वायर। अब आप देखिए आगे इसकी क्या निकालनी है हमको, लिमिट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो स्क्वायर आएगा बाहर, तो एन की पावर फोर हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ से एन कॉमन लेंगे, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन की पावर फोर, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर।
वन प्लस टू अपॉन एन का होल स्क्वायर, और एन प्लस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, एन की पावर फोर कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, टू अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, एन फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनिट आ गई। और ये वैल्यू अगर इनफाइनिट है तो इसका क्या मतलब है, देखिए जो डीएलएम्बर्ट का रेशियो टेस्ट है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इसकी जगह पे मैं चेंज करके यू एन प्लस वन अपॉन यू एन कर दूँ, तो इस केस में अगर ये एल आ रहा है तो ये सारी कंडीशन चेंज हो जाएंगी। ये कन्वर्जेंट हो जाएगा कब, जब एल की वैल्यू वन से छोटी होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगा जब एल की वैल्यू वन के इक्वल वन से बड़ी होगी, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिवर्स कर दूँ तो ये रिवर्स करके क्या बन जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो यानी कि वन से छोटा, और वन से छोटा अगर है तो मैं कंडीशन अगर इसके जस्ट रिवर्स कर दूँ यहाँ पे, एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है वो ये है, हम इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से भी, अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ सारी कंडीशन इंटरचेंज हो जाएंगी। तो जो ये लिमिट आ रही है, जीरो आ रही है वन से छोटी, और वन से छोटे के केस में ये क्या है, कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, किसका यूज़ करके, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के। तो ये बात होगी सेकेंड क्वेश्चन की, आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, समेशन यू एन एक्स अपॉन वन इंटू टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू थ्री, एक्स क्यूब अपॉन थ्री इंटू फोर एंड सो ऑन। तो इसका एनी थ्योरम निकालते हैं सबसे पहले, फिर एनी थ्योरम क्या है, एक्स की पावर बढ़ते जा रही है, एक्स की पावर एन अपॉन में क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन थ्योरम क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, और एक्स की पावर एन को इससे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ वन अपॉन एक्स आ जाएगा, यहाँ से एन कॉमन ले लेते हैं, तो एन स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस टू अपॉन एन अपॉन, एक एन यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो एन स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एन वन अपॉन एक्स। फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो ये सब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा वन अपॉन एक्स। अब मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ इस कंडीशन का यूज़ करके, सीधे सीधे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अगर एल वन से बड़ा आ रहा था इस केस में तो कन्वर्जेंट था, यानी कि सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगा कब, जब वन अपॉन एक्स वन से बड़ा होगा, यानी कि एक्स वन से छोटा होगा, समेशन यू एन डाइवर्जेंट होगा कब, जब वन अपॉन एक्स वन से छोटा होगा यानी कि एक्स वन से बड़ा होगा, और एक्स इक्वल टू वन के लिए ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और टेस्ट फेल होगा तो फिर आपको एक्स की वैल्यू वन रख देनी है यहाँ पे। तो समेशन यू एन इस केस में क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन इंटू टू, वन अपॉन टू इंटू थ्री, इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस केस में यू एन क्या हो जाएगा आपके पास, वन अपॉन एन एन प्लस वन, यानी कि वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन अपॉन एन। क्या करेंगे आप, याद कीजिए और दिमाग लगाइए, वी एन वाली सीरीज़ हमको इसमें जो लेनी पड़ेगी कंपैरिजन टेस्ट के लिए वो कितनी होगी, वन अपॉन एन स्क्वायर लेनी पड़ेगी। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट यू एन अपॉन वी एन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, और वन आ जाएगा तो ये फाइनाइट भी आ रहा है एंड नॉन जीरो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वी एन वाली सीरीज़ है उसमें वन अपॉन एन स्क्वायर है, और वन अपॉन एन की पावर पी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पी क्या आ गया, टू आ गया, वन से बड़ा, इसका मतलब जो समेशन वी एन है वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा किससे, कंपेरिजन टेस्ट से, और समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा
कंपैरिजन टेस्ट से। तो ये वन के लिए कंडीशन हो गई। तो ये बात हो गई आपके, मैंने तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग के करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको सीरीज दी हुई है वो क्या है, 1 into 2 upon 3 into 5, इस तरीके से आपको सीरीज़ दी हुई है। अब इसमें हमको फिर उसी तरीके से अप्रोच करनी है, nth टर्म निकालना है, उसके बाद n प्लस वनth टर्म निकालना है, और वो निकालने के बाद आपको उसका रेशियो निकालना है। रेशियो अगर l आ जाता है तो फिर आगे फिर से उसी तरीके से कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो अगर हम बात करें समेशन यू एन, 1 upon 3 plus 1 into 2 upon 3 into 5 1 into 2 into 3 3 into 5 into 7 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज दी है, देखिए हर एक टर्म में जो है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब इसके nth टर्म में n तक आ रहा होगा। और अपॉन में क्या आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड सीरीज चल रही है। तो ये यू एन की वैल्यू हो गई। यू एन प्लस वन अगर हम निकालेंगे तो यू एन प्लस वन में क्या आएगा, 1 into 2 into 3 कहाँ से कहाँ तक, एन प्लस वन आ जाएगा एक टर्म और, यहाँ 3 5 7 9 टू एन प्लस थ्री, क्योंकि ऑड सीरीज चल रही है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, डिवाइड करेंगे तो सारे टर्म्स तो कैंसिल होंगे, सिर्फ इसमें बचेगा एन प्लस वन और टू एन प्लस थ्री, यानी कि टू एन प्लस थ्री ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एन प्लस वन। लिमिट अप्लाई करते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें से एन कॉमन भी ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो 2 plus 3 upon n, और यहाँ 1 plus 1 upon n, लिमिट अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, 1 से बड़ा है। फिर से उस टेस्ट में आते हैं हम, कौन से डीएलएम्बर्ट टेस्ट के स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट था उसका कि अगर वो जो आपने एल निकाला है, स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ मैंने पीछे, जो एल है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में, अगर ये 1 से बड़ा आ रहा है तो ये सीरीज़ क्या थी, कन्वर्जेंट थी। तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पर, क्योंकि ये 1 आ रहा है, सॉरी 2, 1 से बड़ा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो देयरफॉर बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट समीशन यू एन इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और इन 4 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बाकी जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिलहाल एक क्वेश्चन में और इसका फिफ्थ वाला भी करवा दे रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करें। देखिए समीशन यू एन जो दिया हुआ है वो है एन क्यूब अपॉन एन प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका nth टर्म हो गया एन क्यूब अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और एन प्लस वन टर्म क्या हो जाएगा, एन प्लस वन होल क्यूब अपॉन एन फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर हमको क्या निकालना है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, एन क्यूब अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन होल क्यूब। एन क्यूब इसमें से एन कॉमन ले लेते हैं तो एन क्यूब बाहर आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एन का क्यूब, एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये एन क्यूब भी कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, और ये इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर उसी तरीके से हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज मीन्स रिवर्स कर लेते हैं, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस केस में ये बन जाएगा जीरो, और जीरो क्या है, वन से छोटा। तो मैंने जो दूसरे तरीके से आपको स्टेटमेंट बताया था कि अगर आप यू एन प्लस वन अपॉन यू एन लेते हैं और वो वन से छोटा आता है तो उस केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा, देयरफॉर समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट बाय यूजिंग डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट।
तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस को भी आपको अप्रोच करना है, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच करनी है जैसे मैंने 5 क्वेश्चंस आपको कराए डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट के।